दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत सूट की गले की डिजाइन बता रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना दोस्तों, और इसी प्रकार से बेहतरीन वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, ये जो सूट है, इस सूट को हमने कॉलर वाले के पैटर्न से काटा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें पीछे पल्ले का तो पहले तो रोल नहीं है, इसलिए हम पीछे पल्ले को यहाँ पर हटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक डेप्थ, आपको जैसा नेक डेप्थ रखना है, ये थोड़ा सा इसमें आप क्या करें 8.5 इंच तक का कम से कम। इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, आधा इंच में एक पॉइंट कम। देखिए यहाँ पर हमने 8.5 पर निशान लगाया है, आधा इंच में एक पॉइंट कम यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे, ठीक है। और आपने जो गले की गहराई यहाँ पर खोल छोड़ रखा है, उधर से करेंगे तो आधा इंच में एक पॉइंट ज्यादा। वीडियो पूरा देखिए, धीरे धीरे क्यों कर रहा हूं समझ आएगा। अब इसको आप इस प्रकार से खींचे और इस प्रकार से बिल्कुल सीधा, ऐसे। अब इसको यहां से आप काट लें, ये इस प्रकार से इसमें हमने ये कर लिया है। अब देखिए दोस्तों, आपको पेपर बकरम लेना है, और इस पेपर बकरम को फोल्ड करके देखिए यहां पर इस प्रकार से दो भाग में, मतलब दो जगह काटना है आपको 1.5 इंच का। देखिए इस प्रकार सीधा निशान लगाने के बाद आप इसे दो टुकड़े में काट सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें दो टुकड़े में इसको काट लिया है। अब देखिए छोटा सा टुकड़ा इस प्रकार से और रखें पेपर बकरम का ही। अब इसमें क्या करेंगे, आप कोई भी आप कंट्रास्ट कपड़ा ले सकते हैं उसके साथ में, जो मैच करे आप जो कपड़ा लिए हैं। जैसे मैंने यहाँ पर येलो कपड़ा ले रहा हूँ, येलो कपड़ों पे हम इस प्रकार से इसको 1.5 इंच की जो पट्टी है इसको हम चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद आप इस प्रकार से इसको दो भाग में मोड़ लीजिए। ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों पट्टियों को मोड़ लिया है। अब इसको क्या करें, बराबर आप इसको काट लें। अब देखिए दोस्तों, मैंने एक छोटा सा टुकड़ा और काटने को कहा था, देखिए इसको भी क्या करेंगे आप इस पे इस प्रकार से चिपका दें। बहुत ज्यादा चौड़ा ना रखें, ज्यादा चौड़ा रखने पर ये बिल्कुल थोड़ा सा। अब देखिए दोस्तों, हमारा प्राथमिक काम हो चला है, इसको करने के बाद हम चलते हैं सिलाई मशीन में। देखिए दोस्तों, अब हम आ गए मशीन पर। मशीन में आने के बाद देखिए, ये है आपका व्हाइट कपड़ा। व्हाइट कपड़े में आपको यहां तक के, आपको जूम कर देता हूं ताकि क्लियर समझ आए। देखिए दोस्तों, इसमें हमारी जो सिलाई लगानी है यहां पर लगा, यहां तक लगानी है, मतलब 1/4 इंच इधर और 1/4 इंच इधर, इस प्रकार से। तो इस कपड़े को आपको, पीला जो कपड़ा आपने चिपकाया है, ध्यान रखेंगे जो पेस्ट वाला हिस्सा है वो इसको हमें इस प्रकार से रखना है, अंदर की तरफ रखना है, ताकि पलटने के बाद ये हो जाएगी। देखिए यहां पर आने के बाद थोड़ा सा आप इस स्पीड को कम कर लीजिए, ताकि बिल्कुल उसमें सफाई तभी आएगी दोस्तों जब बिल्कुल आप इसको निर्धारित जगह पर ही इसको स्विच होएंगे। देखिए बिल्कुल हम यहां पर निर्धारित जगह पर ही स्विच उभा देते हैं, देखिए बिल्कुल जहां पर है उसको। और उसके बाद थोड़ा सा इसको आप रिटर्न ले लें, देखिए इस प्रकार से ऐसे। ये सिलाई हमारी इस प्रकार से हो चली है। देखिए दोस्तों, ये सिलाई हमारी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हो चली है। इसी प्रकार से हम दूसरे सिरे को भी सिलाई लगाएंगे। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जैसे आपको यहाँ पर लगाया है निशान, तो इसी प्रकार से वहीं से ही आपको यहाँ पर स्टार्ट हो सिलाई, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। बिल्कुल वहां पर स्विच उभा लें और बिल्कुल हल्के से जमा लें वहां पर एक दो धागा, बस इसको बिल्कुल सिलाई करते जाना है यहाँ पर इस प्रकार से, इसको सिल लिया है। देखिए यहाँ पर हम इसको काट दिए, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से ये नजर आ रही है ना यहाँ पर। देखिए अब इसको क्या करते हैं, कटिंग करते हैं।
काटने का तरीका देखिए, देखियो यहाँ पर सिर्फ किस कपड़े को काटना है हमें, ये वाला ऊपर वाला, बिल्कुल वहां पर आपको सिलाई बिल्कुल छूटना चाहिए, सिलाई तक नहीं पहुंचना चाहिए। ये देखिए कुछ इस प्रकार से कटिंग होगी, इसी प्रकार से यहां पर भी ये देखिए। तो ये कटिंग हमारी इस प्रकार से हो चली है। देखिए दोस्तों, काटने के बाद इसको क्या है, हम इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है ना, उल्टे तरफ से प्रेस करोगे तो उल्टा हो जाएगा, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। अब इसके बाद आप इसको पलटिए, देखिए इसको इधर पलटिए ऐसे और इसको ऐसे, ये देखिए, आप इसको अच्छे तरीके से इस प्रकार से जमा लीजिए, आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से ये जमेगी, है ना। इसको आप अच्छे से करके प्रेस करके ले आइए दोस्तों, है ना, यहाँ पर पीला के किनारे किनारे को अच्छे से आप इसमें प्रेस लगा सकते हैं। देखिए इस पर, देखिए दोस्तों प्रेस हमने लगा कर लिया है। प्रेस लगाने के बाद आपको स्पष्ट बता दूं, यहाँ पर अगर ये आपका सही तरीके से इस प्रकार से बिल्कुल कहीं भी सलवटे नहीं आ रही है तो भी बिल्कुल सही बना है। क्या होता है, ये पट्टियां अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे खींच जाती है ना तो सलवटें आती है, उससे आपका जो ड्रेस में जो फिनिशिंग आना चाहिए वो नहीं आता है। अब देखिए इसको इस प्रकार से हाथों से पकड़िए, ऐसे बिल्कुल इसी प्रकार से रखिए। रखने के बाद अब इसको थोड़ा सा इसे पलट लें सही तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है यहाँ पर, अगर आप सिलाई नहीं लगाएंगे तो खुल जाएगा ये। अब यहां से इसको पलट लें, अब आप इसको यहां से बराबर काट लें, देखिए ऐसे। तो ये हमारा नेक जो डिजाइन है, बिल्कुल ये बहुत ही हाई फाई डिजाइन है दोस्तों, बहुत ही सिंपल रहता है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा बिल्कुल बहुत ही प्यारा नेक डिजाइन इसमें बनकर तैयार हो जाता है बिल्कुल। अब यहां पर आप इसको कटिंग कर लीजिए ऐसे ऐसे और ऐसे, अब इसको सामने पीछे पल्ले के साथ आप अटैच कर सकते हैं। अब यहां पर पीछे पल्ले के साथ अटैच करने का तरीका थोड़ा सा आपको समझा दूं। देखिए दोस्तों यहां पर क्या करेंगे आप, ये पीछे का पल्ला है ना, तो पीछे के पल्ले को आप इस प्रकार से रखिए। पहले तो आप ये देख लीजिए कि दोनों पल्ला हमारा सही तरीके से बराबर है कि नहीं है। ऐसा हो जाता है कभी कभी कि थोड़ी सी सिलाई कम ज्यादा दबाने पर कम ज्यादा हो जाती है, तो देखिए आप बिल्कुल बराबर है दोनों पल्ला। तो इन पल्लों को पहले तो आप इस प्रकार से रखिए, क्योंकि सिलाई इसमें हमें यहां लगानी है, यहां से करीब पौना इंच, अगर बंद गला है तो भी इसको पौना इंच इस प्रकार से ऐसे कटिंग कर लें, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से कटिंग कर लें, उसके बाद आप इसमें ज्वाइंट करें। ये देखिए इस प्रकार से इसमें हो गया। अब इसमें क्या करेंगे आप, उरेवी पट्टी, ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से उरेवी पट्टी काट लीजिए। उरेवी पट्टी काटने के बाद अब इसे लगा लीजिए। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमने उरेवी पट्टी के सहायता से पीछे का नेकलाइन बना लिया है, और सामने का देखिए दोस्तों कितना रिच लुक देती है ये जो डिजाइन है, बहुत ही गजब का ये डिजाइन है दोस्तों, एक बार जरूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना दोस्तों, और इसी प्रकार से कुछ बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।